हेलो फ्रेंड्स, ज्योति के पकवान में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सबकी पसंदीदा रेसिपी दाल मखनी। दाल मखनी हर किसी इंसान की फेवरेट होती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए देखिए सबसे पहले हम इसके लिए एक कटोरी दाल लेंगे, उसी कटोरी के 1/4 कटोरी राजमा लेंगे। देखिए अब हम अच्छे से इसे पानी से वॉश करके धुलेंगे। देखिए मैंने धो लिए हैं, साफ़ हो गए हैं। अब इसमें एक कुकर में 8 गुना पानी डालकर रखेंगे। देखिए जिस कटोरी से मैंने नाप लिया है उसी कटोरी का 8 गुना पानी लेंगे। कुकर में मैंने रख दिया है पानी। देखिए इस कटोरी का पानी मैंने 8 कटोरी पानी रख दिया है। अब देखिए इसमें हम डालेंगे 5 से 6 लौंग। लौंग से कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए लौंग से इसका कलर फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा आता है। इसमें किसी टाइप की देगी मिर्च वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसे अब हम 2 घंटे तक सिम गैस पर पकने रख देंगे। आफ्टर 2 आवर्स देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक पैन में थोड़ा सा बटर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। जब जीरा भुन जाए फिर हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए अगर आपको गार्लिक पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है, आप प्याज भी डाल सकते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जब पेस्ट भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची को मैंने कूट लिया है इसमें वो डाला है। इसी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम डालेंगे 1 बड़े टमाटर की प्यूरी है। देखिए इसे थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, आप डालें ना डालें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब डालेंगे हम इसे थोड़ी सी लाल मिर्च टेस्ट के लिए। देखिए हमारे मसाले भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मलाई, दूध की मलाई लिए, आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए अब हम डालेंगे इसमें 1 गिलास दूध। ये करीब 1 गिलास दूध है। दूध को हम धीरे धीरे करके डालेंगे जिससे हमारा दूध फट ना जाए। देखिए अब गैस फ्लेम सिम कर देंगे। देखिए अब हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें अपनी बॉइल्ड दाल डालेंगे। दाल को जितना सिम गैस पे आप जितनी देर पकाएंगे उतना अच्छा कलर आएगा। बस सिम गैस पे ही इसे पकाना है। अब हम इसे लो फ्लेम पे 25 मिनट के लिए पकाने और रख देंगे। इससे बहुत अच्छी गाढ़ी हो जाती है दाल। देखिए बन चुकी है दाल हमारी, बन चुकी है। देखिए कितना अच्छा कलर टेक्सचर आया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मस्ट है, रेस्टोरेंट वाले इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालते हैं। जितनी भी ग्रेवी वाली सब्जियां हो उसमें कसूरी मेथी ज़रूर पड़ती है। देखिए कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आता है। अब हमने इसे सर्व कर ली है दाल को। अब देखिए अब हम थोड़ी सी मलाई को, दूध की मलाई है ही, फेंट लेंगे, ऐसे ऊपर से गार्निश कर देंगे। देखिए अब डालेंगे हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर, आप चाहे तो बटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए
बन गई हमारी दाल मखनी, बस पुदीने से गार्निश कर देंगे। देखिए बस थोड़ा पेशेंस चाहिए इसमें, दाल मखनी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।